ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक फेम में। मेरा नाम है विकास शेट्टी और रेडमी अभी एक इंडिपेंडेंट ब्रांड की तरह वर्क कर रहा है जब से वो अलग हुआ है शाओमी से। अभी यहाँ पे अगर फिटनेस ट्रैकर्स की बात करें तो रेडमी ने पहले लॉन्च किया था अपना रेडमी बैंड जो एकदम एक बजट के बाद फिटनेस बैंड था जिसकी प्राइसिंग थी 1000 रुपीज़। अब यहाँ पे रेडमी ने लॉन्च किया है अपना रेडमी वॉच। देखते हैं इस वीडियो में कैसे स्पेसिफिकेशन, कैसे प्राइसिंग और बहुत सारी डिटेल्स कहाँ पे ओनली ऑन टेक फेम। ये रेडमी की तरफ से आने वाला पहला वॉच है। देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस। यहाँ पे हमें मिलता है 1.4 इंच का एक स्क्वायर एलसीडी डिस्प्ले जो आता है 323 पिक्सल्स पर इंच के साथ और ये एक कम्प्लीटली फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले है। अब यहाँ पे हमें 230 mAh का बैटरी देखने को मिलता है और कंपनी क्लेम करती है कि ये चलेगा 7 डेज तक, बट ऑब्वियसली यूजर के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे ब्लूटूथ 5 अवेलेबल है और ये है वाटर रेजिस्टेंस 50 मीटर्स तक। यहाँ पे एनएफसी सपोर्ट अवेलेबल है और यहाँ पे उसके साथ साथ 7 स्पोर्ट्स मोड अवेलेबल है। अब ये मोड्स के अलावा भी यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर और स्लीप ट्रैकिंग अवेलेबल है। अब ये सब फीचर्स के अलावा यहाँ पे बेसिक फीचर्स अवेलेबल है ही। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिमाइंडर्स हुआ, फ़ोन से कंट्रोल हुआ, फ़ोन नोटिफिकेशन या फिर ऐसे बेसिक फीचर्स अवेलेबल है। अब इसका जो वेट है वो है 35 ग्राम्स का और यहाँ पे मोर देन 120 वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं। इस वॉच का एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि यहाँ पे हमें माइक्रोफोन देखने को मिलता है जो कम्युनिकेशन वाइज बहुत ही बेटर होगा। अब ये जो वॉच है वो पहले लॉन्च होने वाला है चाइना में और इसके चाइनीज वर्जन में हमें एक स्मार्ट असिस्टेंट देखने को मिलता है जो बेसिकली शाओमी बेस्ड है। अब देखते हैं जब ये बैंड या फिर वॉच इंडिया में आता है तो हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और क्या कुछ फीचर्स हमें मिस करने पड़ेंगे। प्राइसिंग की बात करें तो ये रेडमी वॉच अगर हम करेंसीज कन्वर्ट करते हैं तो इंडियन प्राइसिंग निकलती है करीब करीब 4000 रुपये। तो इसका मतलब जब ये इंडियन मार्केट में आएगा तभी कम्पीट करेगा रियलमी वॉच से और साथ ही साथ ऑनर बैंड 6 से। अब यहाँ पे 3 कलर्स अवेलेबल है, ब्लैक, ब्लू और आइवरी, और जो स्ट्रैप है वो भी अवेलेबल है 5 कलर्स में, ब्लैक, ब्लू, ऑलिव, चेरी ब्लॉसम और आइवरी। तो अगर मैं आपको इसी रेडमी वॉच का एक ओवरव्यू दूँ तो यहाँ पे ओवरऑल एक डिसेंट पैकेज प्रोवाइड किया है शाओमी ने कंसिडरिंग इसकी प्राइस। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ये सिर्फ एक नॉर्मल फिटनेस बैंड नहीं है, कंप्लीट वॉच है, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्पेसिफिकेशंस डिसेंट है। अगर हम इसकी प्राइसिंग को ध्यान में रखें जो है 4000 रुपये, तो जो इसके बाकी के कंपेटिटर्स है उनमें भी ये सिमिलर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो स्पेसिफिकेशंस में उतना कोई धमाका या फिर वैसा कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, बट ये है कि ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ इसके कैटेगरी वाले स्मार्ट वॉचेस में हमें सिमिलर रेंज के ही स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक जो मुझे डाउट है वो है कि चाइनीज वेरिएंट से जब इंडियन वेरिएंट पे हम आएंगे तब यहाँ पे हमें एनएफसी और असिस्टेंट मिसिंग देखने को मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या होता है जब रेडमी लॉन्च करता है अपना यही रेडमी वॉच इंडिया में। तो अगर हम इसी बजट को ध्यान में रखें तो कैटेगरी वाइज स्पेसिफिकेशंस डिसेंट है, अच्छे है। और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है माइक्रोफोन जो कम्युनिकेशन वाइज मैं वापस से बता दूँ ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है, जबकि हमें जो रेस्ट ऑफ कम्पिटिटर्स है वहाँ पर ये फीचर मिसिंग देखने को मिलता है। उसके साथ साथ डिस्प्ले और बैटरी भी डिसेंट है। इसके पहले हमने हॉनर बैंड 6 का भी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको कंपेयर करना है जरूर उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको कन्फ्यूजन हो रियलमी वॉच, रेडमी वॉच और हॉनर बैंड 6 से, तो जरूर से मुझे नीचे कमेंट करके बताना, एक मेगा कंपेरिजन वाला वीडियो बना सकते हैं हम इस पर। और बस यही था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो का फेवरेट पार्ट मुझे कमेंट करके बताना, मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, और ऐसे ही लेटेस्ट टेक कंटेंट के रिजल्ट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।